यार आम जिंदगी में जो होता है ना वो तो हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कॉमेडियंस हर पल को नींबू की तरह निचोड़ देते हैं और हमें लाफ्टर का शरबत सर्व करते हैं। ऐसे ही है हमारे डिंपल डार्लिंग रजत चौहान। प्लीज वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हेलो शिखर जी, हेलो अर्चना जी, कैसे हैं आप? हाय रजत, हाउ आर यू? गुड। डॉक्टर साहब आज आए हैं मेरे पास। डॉक्टर साहब पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, क्योंकि ये तो मुझे जान गए हैं, पर थोड़ा बता दूं कि मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूं। अच्छा। मैं अर्चना जी कभी भी किसी को ना नहीं बोल पाता। ओहो। इसलिए अब मेरी 3 गर्लफ्रेंड है, 2 बॉयफ्रेंड और 1 बीवी, तो काफी सॉर्टेड है। डॉक्टर साहब इससे पहले मेरे मन में एक सवाल है कि मैं डॉक्टर को कभी पूछ नहीं पाता, ये कि आप राइटिंग कब सुधारोगे? कब सुधारोगे? एक तो मेरा एक और सवाल है कि ना इनकी राइटिंग सिर्फ एक ही बंदा समझ पाता है। जो कि है केमिस्ट। 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 मुझे लगता है लिख देते हैं कि हमने इनका काट लिया, अब तुम भी काट लो। सच्चाई है। एक तो अर्चना जी आजकल ना हर बंदा ब्रांडिंग कर रहा है, हम खुद भी करते हैं, पर हमने देखा ब्रांडिंग में लोग कितना सारा पैसा खर्च करते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, सेलिब्रिटी से इंस्टाग्राम पे बुलवाते हैं, टीवी पे एड चलवाते हैं। मैं कहता हूँ क्यों करना है इतना पैसा खर्च? अगर सच में आपको अपना ब्रांड प्रमोट करना है ना तो डालिए उसको किसी भी पंजाबी सॉन्ग में। ओहो। वो ब्रांडिंग ही तो है। मुझे पंजाबी सॉन्ग से ही पता लगता है कि गुची अरमानी ब्रांड है। कुड़ी कहंदी जैगवार ले लो, वहां डालो अपना ब्रांड। कुड़ी कहंदी गेंडा फिनाइल ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो, बंदा गेंडा फिनाइल ले लेगा। मैम एक बताता हूँ, एक तो ना मुझे गाड़ियां देखने का बहुत शौक है, तो मैं हर साल दिल्ली में लगता है ऑटो एक्सपो। लवली। मैं हमेशा जाता हूँ। अच्छा। आप ऐसे किसी ने देखा है ऑटो एक्सपो? यस यस ऑफ कोर्स। ओके, अगर नहीं देख पाए तो बता दूं अभी भी देख सकते हो आप, ऑनलाइन जाइए और कोई भी पंजाबी सॉन्ग देख लीजिए। वो ऑटो एक्सपो ही है। बल्कि ऑटो एक्सपो में लोग ना गाड़ी के मॉडल को कम और जो साथ में रोशेल जैसी मॉडल खड़ी होती है ना उसको ज्यादा देखते हैं, उनको देखने जाते हैं ज्यादातर। और आप जब ये ऑनलाइन देखोगे तो आपको लड़की ये करती भी मिलेगी साथ साथ। क्यों करती है मुझे नहीं पता। पर मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है मेरी अपनी खुद की बात, जो कि है स्कूटर। जैसे मुझे स्कूटर चलाने का बहुत शौक है सर, क्योंकि कारों के बीच में से निकाल सकते हो, फुटपाथ पे भी चला ही सकते हो। तो बेस्ट पार्ट इज नहीं आराम होता है इसका, तो मैं चलाते हैं। पर मेरा मानना है कि ना मैं आज पिटीशन साइन करने वाला हूँ अर्चना जी। क्या पिटीशन? ये है कि जितने भी आपके स्कूटर स्कूटी बाइक में जो पीछे लोग बैठते हैं पीछे, इन सब की भी अलग से टेस्ट और लाइसेंस बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्चना जी कुछ लोग आपके पीछे बैठ के डोलते हैं। शेखर जी जब भी आपने जिंदगी में कभी भी स्कूटर चलाना सीखा होगा ना, तो आपके पास आपका एक घटिया दोस्त जरूर आया होगा जो आकर बोला होगा भाई चला तो लोगे। शेखर जी कभी आप फ्लाइट में जा रहे हो जी, और आपको पायलट मिल गया कॉकपिट में, कभी आपने पायलट से पूछा है चला तो लोगे? बीइंग अ पायलट आपका मन नहीं करेगा कि एक बार इसको लव यू जिंदगी करके दिखा दूं? एक बार प्लेन को जमीन पे टप्पा मार के दिखा दूं कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूं? कुछ लोग आपके पीछे बैठते हैं और इनको लगता है थोड़ी सी भी स्पीड से डर। बिल्कुल। पर ये बात अपने मुंह से व्यक्त नहीं करते। जैसे एक दिन एक खाली रोड थी तो मुझे लगा लेट्स टेक ऑफ, मैंने स्पीड बढ़ाई है, मैंने थोड़ी देर में अर्चना जी महसूस किया है कि एक हाथ पीछे से आया कमर में। बड़े खुश हो गए ये तो। कमर। मैं पीछे मुड़ा, मैंने कहा हम कमिटेड कब हुए? मैंने तुझे आई लव यू कब बोला भाई? एक तो ना कुछ लोग आपके पीछे बैठते हैं और इनको लगता है ये चला रहे हैं स्कूटर। ये क्या करते हैं, ये अपनी 3 उंगलियां ऐसे लगाते हैं आपके शोल्डर में फंसाते हैं। और अब ये है इनके ब्रेक, ये लेफ्ट, ये राइट, ये
ऐसे मेरा दोस्त मुझे पूरा रास्ता ऐसे ऑपरेट करता हुआ ले गया घर. ऑपरेट अर्चना जी, मैं जब घर जाके मैंने अपनी टी शर्ट रिमूव करी है तो मैं क्या देखता हूँ, दोनों साइड पे यहाँ पे एडिडास का लोगो बना हुआ था. एक तो ना अर्चना जी, हमने अपने स्कूटर को ना बड़ा सेफ रखा क्योंकि हमने वही खरीदा, कार तो खरीदी नहीं थी. कभी भी ना आपको स्कूटर को अकेला मिलेगा नहीं, आपको स्कूटर न जाने कहीं से तीन लड़के हमेशा उसे बैठे मिलेंगे. पड़ोस के अफेयर से लेकर फॉरेन अफेयर्स तक सारी डिस्कशन उसी पे हो रही होती है. अर्चना जी, मैंने कभी भी अपना स्कूटर चाबी से स्टार्ट नहीं किया. मुझे पहले बोलने पड़ते हैं कोड वर्ड, एक्सक्यूज मी. फिर वहां से तीन लड़के कहते हैं आपका है, आपका है, आपका है. मैं कहा हाँ मेरा है. एक तो मुझे और तकलीफ है, आप लोगों को जो पीछे बैठते हैं ना उनसे सबसे मेजर तकलीफ है वो है कि आपको पता है पीछे लोग ले आता है फुट रेस्ट. हाँ. हाँ. ये बात शेखर जी उनको कौन बताएगा. मैं एक बार अपने स्कूटर पे जा रहा था, मेरा दोस्त पीछे बैठा था, मैंने थोड़ी देर में अर्चना जी महसूस किया है. हाँ. कि दो टांगे मेरी टांगों के बीच में से टांगे निकल के आई हैं और इसने ऑक्टोपस की तरह खोल दी. आप ये मानो मुझे लाल बत्ती पैर रखने थे, मैंने कहा मेरे पैर क्यों नहीं खुल रहे, पैर कैसे खुलेंगे मेरे पैर, ये बांध के बैठ रहे मुझे यार. थैंक यू, 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 थैंक यू राजवत फॉर टेकिंग अस फॉर दैट वेरी कूल एंड फनी राइड. थैंक यू सर. आपको क्या मैं पुरस्कार दूं, आप तो पहले से ही लाफ्टर के मेडल्स लगा के आए हैं अपने सीने पे इतने सारे, बट यू डिजर्व येट अनदर मेडल आउट देयर फॉर बीइंग सो गुड, सो इफेक्टिव. बहुत बढ़िया आपने किया. थैंक यू सो मच फॉर दैट एंटरटेनिंग एक्ट. थैंक यू, थैंक यू रजत. आज आपके एक्ट ने वो सारी यादें ताज़ा कर दी जो मैं स्कूल में, मैं एक एक्चुअली लैम्ब्रेटा स्कूटर पर मैं स्कूल जाती थी और जो सारे एक्सपीरियंसेस आपने बोले हैं उसमें से ऑलमोस्ट सारे ही मैंने भी एक्सपीरियंस किए हैं. और वो पीछे जो बैठकर स्पेशली लड़के को तो बोलते ही हैं पहुँचा दोगी ना, अरे हाँ मैं तुझे गाड़ भी सकती हूँ यहीं पर अगर तुझे चाहिए तो. तो आपने वो सारी यादें ताज़ा कर दी हैं और आपके एक्सपीरियंसेस जो पर्सनल जो आपने उसमें अपने ऑब्जर्वेशन डाली है उससे बहुत उभर कर आई आपकी कॉमेडी. दैट एक्ट वाज वेरी वेरी नाइस. थैंक यू. बहुत थैंक यू. आपकी तीन गर्लफ्रेंड्स, दो बॉयफ्रेंड्स और एक बीवी की बात सुनकर एक शेर याद आता है, शकील आजमी का शेर है इरशाद, कि ऐसे तो बहुत देखे जो पत्नी पे मरते हैं. जी वाह. ऐसे तो बहुत देखे जो पत्नी पे मरते हैं पर ऐसे बहुत कम है जो अपनी पे मरते हैं. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.